देखिए यहाँ पर हम देखेंगे भारत के इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं उनको यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं जिनमें बांटा गया है उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए पहली बात तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए भारत के पास में दो स्रोत है, एक तो साहित्यिक स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत है, यानी साहित्यों के बारे में भी हम जानेंगे और पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। साहित्यिक स्रोत हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य आ जाते हैं और ऐसे भी स्रोत आ जाते हैं, ऐसे भी साहित्य आ जाते हैं जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, यानी धर्म से जुड़े हुए नहीं है, वो स्रोत भी हमारे साहित्यिक स्रोतों में आ जाते हैं। तो देखिए धार्मिक साहित्य में क्या क्या चीजें बताई गई है, धार्मिक साहित्य में सबसे पहले बताया गया है वेदों को। वेद का मतलब क्या है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, एक तरीके से जो महान ज्ञान है उसके लिए हम यूज किया गया है शब्द वेद, अर्थात हम कह सकते हैं पवित्र और आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो वेदों में बताया गया है। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं वो वेद ही हैं, क्योंकि वैदिक इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सिर्फ वेदों से ही हमें मिलती है। और हमारे भारत में चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद में दूसरा धार्मिक साहित्य आ जाता है हमारा वेदांग। वेदांग में वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझाया गया है और वेदांगों की संख्या जो है वो छह है। कौन कौन से हैं छह, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी एक तरीके से साहित्यिक स्रोत हैं जो भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको जानने का एक स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में हम कह सकते हैं वेदों की गद्य रूप से की गई सरल व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई है। क्या बताया गया ब्राह्मण ग्रंथों में, कि वेदों को गद्य रूप से सरल व्याख्या यहाँ पर की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में। और उसके बाद में आ जाता है आरण्य, ये भी वैदिक ग्रंथ है, यानी कि हमारा साहित्यिक ग्रंथ है आरण्य। तो आरण्य है, इनकी रचना जंगलों से की गई है, आरण्यों की जो रचना है वो जंगलों में की गई है, इन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, आरण्य को हम ब्राह्मण ग्रंथ भी कहेंगे। अंतिम हिस्सा माना जाता है ब्राह्मण ग्रंथों का, इसमें ज्ञान और चिंतन की प्रधानता आपको बताई गई है आरण्य के अंदर। उसके बाद में बताया गया उपनिषद, उपनिषद भी साहित्यिक स्रोत ही एक तरीके से। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना उसे हम कहते हैं वेदांत, और वेदांत के बाद उपनिषद आ गया। तो कुल 108 उपनिषद हैं हमारे देश में, कितने हैं 108 उपनिषद हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, सत्यमेव जयते, वो मुंडो ये मुंडकोपनिषद शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वो टूटी हुई नाव से की गई है, कौन सी उपनिषद में, जो मुंडोक उपनिषद है उसी के अंदर यज्ञ की जो तुलना की गई है वो टूटी हुई नाव से की गई है। और श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया है वो छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। और उपनिषदों से तत्कालीन भारत की राजनीति, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी भी हमें उपनिषदों से मिल जाती है। महाकाव्य जो है, महाकाव्य हमारे देश में दो है, एक रामायण भी महाकाव्य होता है और महाभारत भी महाकाव्य है, ये भारत के प्राचीनतम महाकाव्य है। और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचना काल जो है 4थी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा तक के बीच में माना गया है। उसके बाद में रामायण की बात करते हैं, इसके रचनाकार जो है, रामायण के रचनाकार कौन थे, महर्षि वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा गया है और इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक है रामायण में। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों की जानकारी दी गई है। उसके बाद में महाभारत की बात करते हैं, आरंभ में महाभारत का नाम क्या था, जय संहिता महाभारत का नाम था सबसे पहले, अगर भारत की बात करें महाभारत की तो जय संहिता के नाम से महाभारत को जानते थे। और इसकी रचनाकार जो है, महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास इसके रचनाकार हैं। और इसमें श्लोकों की जो कुल संख्या है वो 8,800 थी पहले मूल रूप से, लेकिन वर्तमान में 1,00,000 इसमें श्लोक हैं और कुल 18 पर्व हैं। श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व से संबंधित है, अगर हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता की तो वो भागवत गीता की जानकारी किसमें दी गई है,
भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता की जानकारी है वो दी गई है, और महाभारत का युद्ध है 985 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और यहाँ पर 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और इसे पांचवी वेद के रूप में मान्यता भी दी गई है महाभारत को। पुराण इसे पंचम वेद भी कहते हैं, पुराणों में महाभारत को पंचम वेद बताया गया है। फिर हम बात करते हैं लोमहर्ष और उसके पुत्र थे उग्रसेवा, प्राणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं, यानी प्राणों का संकलन किसने किया था? एक लोमहर्ष ऋषि थे और उनके पुत्र थे उग्रसेवा, इन्होंने प्राणों का संकलन किया, और प्राणों की संख्या 18 है। और मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन शासकों ने किस तरीके से अपना वंश चलाया, किसका पुत्र कौन हुआ, कैसे शासन चलाया, वो सारी चीजें बताई गई है। पुराणों में सबसे ज्यादा प्राचीन और प्रामाणिक जो है पुराण वो है मत्स्य पुराण, ये सबसे प्राचीन है और ये प्रामाणिक भी है, और सातवाहन वंश से संबंधित इसको बताया गया है मत्स्य पुराण को। विष्णु पुराण से मौर्य वंश और वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं और मूल रूप से चार भागों में विभाजित किए जाते हैं बौद्ध साहित्य, जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत, ये चार भागों में बौद्ध साहित्य को बांटा गया है। अब देखिए जातक में क्या बताया गया है, यहाँ पर जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, 550 कथाओं का एक संग्रह है, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित है, अजंता की चित्रकारी, जातक की कहानियां, ये अजंता के अंदर जो चित्रकारी की गई है वो चित्रकारी जातक की कहानियां कोई बताती है। उसके बाद में आता है त्रिपिटक, त्रिपिटक की जो भाषा है वो प्राकृत है, और त्रिपिटक में तीन है, सुत्पिटक है, विनय पिटक है, और अभिधम्म पिटक है। पाली ग्रंथ यहाँ पर प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है जो ग्रंथ लिखा गया है, पाली ग्रंथ वो प्राचीनतम बौद्ध भाषा में, ये पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है लेकिन पाली भाषा में लिखा गया है, जिसको हम पाली ग्रंथ भी बोलते हैं। एक है मिलिंदो पन्हो, मिलिंदो पन्हो क्या चीज है? मिलिंदो पन्हो ये बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनाइंडर मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का बताया गया है। एक तो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ में क्या है, यूनानी नरेश थे मिलांडर जिसको हम बोलते हैं मिलिंद, और एक बौद्ध भिक्षु थे जिसका नाम था नागसेन, उनके बीच में वार्तालाप हुई है, उसको मिलिंदोपन एक बुक में बताया गया है। उसके बाद में द्वीप वंश है श्रीलंका, जिसको हम सिंगल द्वीप भी कहते हैं, तो सिंगल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला बौद्ध ग्रंथ है जिसे हम बोलते हैं द्वीप वंश। एक होता है महावंश, इसमें मगध राजाओं की क्रमबद्ध सूची दी गई है, जो मगध में राज किए हैं उनकी क्रमबद्ध सूची यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद में महावंश, इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है, और चोल वंश में कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी दी गई है। उसके बाद में आ जाते हैं संस्कृत ग्रंथ, तो संस्कृत ग्रंथ हैं कुछ जिनके बात चर्चा यहाँ पर की जाएगी। एक तो ललित विस्तार है, संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का ये पहला ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं ललित विस्तार। एक है दिव्यावदान, दिव्यावदान में शुंग वंश और मौर्य वंश के शासकों की बता बताई गई है, जिसे हम बोलते हैं दिव्यावदान, इसमें शुंग वंश और मौर्य वंश के शासकों की विषय में जानकारी दी गई है। एक जैन साहित्य है, जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में है, और जैन साहित्य को हम आगम भी कहते हैं। एक होता है आचरक सूत्र, आचरक सूत्र में क्या होता है, जैन भिक्षुओं की विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन किया गया है, वो है आचरक सूत्र में। भगवती सूत्र है, इसमें महावीर स्वामी के जीवन और अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण बताया गया है, और इसी में 16 महाजनपदों का विवरण भी दिया हुआ है। जो आचराग सूत्र है इसी के अंदर 16 महाजन यानी भगवती सूत्र है, भगवान महावीर के जीवन के बारे में बताया गया है और उनके संबंधों का विवरण दिया गया है, 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। प्रमुख दर्शन जो हैं और उसके प्रवर्तक कौन है, जैसे प्रमुख दर्शन है चाबार के, जिसे भौतिकवादी कहते हैं, चाबार के इसके प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन है, उनके कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के पतंजलि योगा सूत्र बोलते हैं। न्याय दर्शन के गौतम हैं।
भगवान गौतम जिसे न्याय सूत्र भी बोल सकते हैं, और एक वैश्विक कणाद है, उलूक वैश्विक के कणाद, और पूर्व मीमांसा के कौन है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा के वादरायण है, जिन्हें ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। बाकी धर्मेतर साहित्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।